अस्सलाम वालेकुम। अभी उठे क्या? क्या हुआ? रोजा लग गया। हाँ, इसके लिए सवेरे सवेरे खाने का, समझे? Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. भाई बहुत हालत खराब हो गया आज, काफी खतरनाक ट्रैफिक लग गया यार। जेट स्की पे भी लेट हो गया मैं। क्या टाइम हो रहा है भाई? 6:45 हो गए। खराब आया हूँ मैं, काफी लेट हो गया जेट स्की पे। इतना लेट क्या करेंगे यार, ट्रैफिक ही इतना बेकार है, खतरनाक। आग देख रहे हो मेरी आग? चलो, वालेकुम अस्सलाम। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मोहतरमा। धन्यवाद आपका। चलो भाई जाते हैं, कार निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो कार धुलवानी है भाई। एक्शन वाली दुनिया में जो जाना है। और आज चांद रात भी है, कल ईद है, आज की जो है लास्ट इफ्तारी होने वाली है इस रमजान की। माशाल्लाह एवरीथिंग इज रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कर दो साफ इसको, अंदर बाहर सबसे साफ कर दो। काफी गंदी हो गई ना अंदर से, काफी गंदी हो गई है। चलो ये साफ होते रहेगी, हम अपना इफ्तारी की तैयारी करते, थोड़ी देर बाद चांद भी दिख जाएगा आप लोगों को। चांद भी दिखाते हैं, दिख गया तो दिखना तो चाहिए, मौसम पूरा साफ है, दिखना तो चाहिए भाई। फीलिंग लेजी टुडे यार। हाँ जी हाँ, शुरू करिए। आज तो भाई स्पेशल है, आमना का बर्थडे स्पेशल, चिकन चिल्ली। वाह भाई वाह। और यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बनने वाला है? रोल। ये कल के लिए बनेगा लगता है, है ना? कल के लिए बनेगा। यस। ओहो, राइस, शेजवान राइस, फ्राइड राइस। क्या बोले? ओहो माशाल्लाह, नूडल्स आर लुकिंग वेरी गुड। दिस नूडल्स आर नॉट फ्रॉम अस, आई थिंक सो। आई एम राइट ना? सी, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, मैं बनाता तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बात ही कुछ और होती। तुम्हारा भाई शेफ भी है। क्या कर रहे थे? ऐसा जा रही थी चाइनीज के पास, सब मुंह में फील हो रहा था। नहीं ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का मम्मा। चलो चलो चलो, दुआ पढ़ाओ। चलो चलिए भाई साहब, कुछ ही वक्त बचा हुआ है, हम वजू कर लेते हैं। चलो अमीन। सब लोग चले गए भाई यहाँ से, सब लोग नमाज में बिजी हो गए, हमारी तो हो गई। अब हम बाहर जा रहे हैं चांद खोजने के लिए, देखते हैं चांद दिख गया तो यार अच्छा हो जाएगा, पटाख से दिखना चाहिए, ये टाइम पे दिख जाता है। तो तारा दिख गया तो मैं खुश हो गया एकदम, तो दिख जाएगा। रुको ढूंढता हूँ मैं। थोड़ा और टाइम लगेगा भाई, थोड़ा और डार्क होएगा ना तो दिखेगा, अभी विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है अभी। दुकान वकान सब बंद हो जाती है भाई रोजा इफ्तार से पहले। चलो हो गई नमाज, चलो अभी इफ्तारी करते हैं। चांद नहीं मिला, देख क्या है हमें, थोड़ा और डार्क होएगा तो दिखेगा। चलो फिलहाल थोड़ा खाते और फिर जाते हैं। फिर सबसे बेस्ट चाइनीज खाते। हाँ बर्थडे गर्ल का मन पसंदीदार। ओहो सबसे पहले तो साबुदाना खाएंगे। खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू होटल में भी नहीं आती। कुछ भी नहीं खा रहे इनको चाहिए सिर्फ चिकन चिल्ली और राइस। इतना सारा है मगर कुछ नहीं खाने का, इनको वही खाने का जो आज घर में बनाए। चलो उनकी फरमाइश पे बनाए, मैं तो नूडल्स खा रहा हूँ। थोड़ी देर में जाते बाहर, देखते हो गया गर्म, तुम्हारा राइस ले लो। नहीं दिख रहा ना, काफी जगह से फोन आना शुरू हो चुके हैं, चांद मुबारकबाद की फोन पे बधाइयां आना शुरू हो चुकी है, मगर यहाँ पे चांद नहीं दिखा, मगर चांद दिख चुका है बाकी के लोगों को। तो आप सब लोगों को चांद मुबारक और फिर कल ईद मुबारक। एक चीज का तो अफसोस रहेगा, इस साल सिर्फ 29 रोजे हो गए, नहीं तो 30 रोजे हो जाते हैं माही। अगर 30 रोजे होते तो तुम्हारा 12 रोजे हो जाते। चलो खैर, अभी तो फटाफट तैयारी करते, अभी जाना पड़ेगा पठानी मिलने वाली, पठानी लेके आने के लिए जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो भी है वो करते हैं। रात के 10:30 बज रहे भाई, हम तो पठानी लेने नहीं गए भाई, हमने फोन किए तो हमको बोले अभी नहीं मिलने वाली है, सवेरे आओ 4-5 बजे। अरे भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रात भर एक्शन वाली दुनिया में रहूंगा, मैं तो जागते ही रहूंगा। बोले हम लोग 7 बजे तक दुकान खुली रखेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, जाके ले लेंगे अपन। फिलहाल देखो कल की तैयारी हो रही है यहाँ पे माही। व्हाट इज हैपनिंग? बिरिस्ते की तैयारी हो रही है। कल काम जल्दी जल्दी हो जाए इसलिए अभी से बिरिस्ता कर रहे हैं। बर्थडे गर्ल कैसा है, तैयारी हजम हो गई कि नहीं? हाँ सेकंड राउंड हुआ कि नहीं? हो गया ना थोड़ा। अरे संभालो। चलो भाई अभी हम भी खाते हैं और फिर बढ़ते हैं एक्शन वाली दुनिया की तरफ। फिलहाल तो देखो कल की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे।
फुल आइटम लाइट। तुम तेज अभी तुम लगाने के, अभी पार्थ के पापा ने अभी अभी हम नहीं है ना, तो उस वजह से हम नहीं लगा पाते। चलो 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 चलो, दुकान भी बंद हो गई भाई साहब। चलो चलो काम चालू। चलो काम चालू। रास्ता बंद, रास्ता बंद, आराम बंद बोलते, आराम तो वैसे भी बंद है। अरे ले इसको, अरे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? मेहंदी लग गई तुम्हारी, माशाल्लाह, वेरी गुड। अम्मी की देखो तैयारी हो रही है यहाँ पे, क्या बना रही है? वही वो चिकन पॉकेट्स, रोल, रोल की तैयारी हो रही है। पॉकेट बनेंगे। चलो भाई हम तो जॉनी ब्रावो बन चुके हैं और जा रहे हैं अभी एक्शन वाले। यहाँ पे बिरस्ता बन के रेडी। वहां पे चिकन रोल बन रहे हैं। अम्मी की गालियां खाने से पहले बंद कर दो। वहां हमारी सवारी तैयार है, चलो लेट्स गो। रात के 11:30 बजे बैठे कार में और उतर रहे हैं हमारी जेट स्की से। गाइस सबको ईद मुबारक, आपको भी मुबारक, ईद मुबारक गाइस, सबको सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से और हमारे पूरे फैमिली की तरफ से। अरे किधर है अपनी पार्टी, पब्लिक किधर है, हो गई कि नहीं तैयार? भाई देखो जस्ट मैं मस्जिद से आया हूँ नमाज पढ़ के और अपने टेलर भाई साहब ने दे दिया अपने को डांडा। मैंने मिडनाइट में फोन किया था उनको, बोला मैंने, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मैं आपको फजर में फोन करता हूँ, फजर में आके आप लेके जाओ, मगर फजर में ही फोन नहीं आया उनका। और फिर जब मैं मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था तब फोन आया मुसीन भाई आपकी पठानी रेडी हो गई आके लेके जाओ। तो क्या ही लेके जाएंगे भाई, क्या करेंगे अब, देखते जाएंगे और लेके आएंगे। अभी तो सवेरे के 9:30 बज रहे हैं। किधर है पब्लिक, हो गए रेडी? माशाल्लाह ईद मुबारक हो, ईद मुबारक, रुको रुको रुको, ईद मुबारक, माशाल्लाह ईद मुबारक। और हमारी तीसरी नन्ही परी, अरे माशाल्लाह हाजिर है। मिलते मिलते तुमसे भी मिलते हैं, रुको। इनायत फर्स्ट ईद अल्हम्दुलिल्लाह, इनाया मेरी तीसरी नन्ही परी। पापा मेरा बच्चा, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल ना? अनकंफर्टेबल फील कर रही है वो। तुम्हारे पास नहीं चाहिए, तुम्हारे पास नहीं चाहिए। मेरे पास चुप रहेगी, सिर्फ मुझे देखेगी, हंसेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। माही सताती है इसके लिए, माही से डरती है। आमना के पास आते ही चुप। हाँ आमना टेक केयर ऑफ हर, माशाल्लाह। इनाया माशाल्लाह। ए मम्मू, ए मम्मू, इनाया मम्मा, पापा पापा। चलो भाई बाकियों से मिल लेते जाके, फटाफट मिलते हैं और फिर देखते हैं, फोन करते हैं अपने पठानी के लिए, अगर मिल गया तो ठीक है, फिर पहनेंगे और एक फोटो निकालेंगे और फोटो निकाल के फिर कहाँ डालेंगे? हाँ सही समझा आपने, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं आप लोगों ने? करो यहाँ पे फॉलो। चलो भाई मिल लिए सबसे, ईद हो गए हमारे रिश्तेदारों की, ईद मिल के शिरखुरमा भी पी लिया हमने। यहाँ पे बन रहा है अभी, अम्मी जान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कब बनेगा? बनाने देते अम्मी जान को, ये बंद कर दूं? टेलर साहब को फोन करते पूछते आओ के लेने पटानी। सो गए इनाया? हाँ इसके लिए ये एकदम
सुस्त सुस्त थी। सो जा मम्मा, सो जा। सो जा मेरा बच्चा, सो जा मेरा बेटा, सो जा मम्मा, सो जा। चलो भाई हिनाया को आराम करने देते, देखते फोन करके। यार जाओगे पठानी लाने? यार मेरा तो कैसे दिल भी नहीं है। नाश्ता बनाया तुम लोगों ने? अच्छा वो कल सब रोल वोल बनाए थे, चलो फिर थोड़ा खिला दो यार। 137 तक कर रहे थे तुम लोग। चलो यार थोड़ा खाते और फिर जाते, जब तक फोन तो कर लेता हूँ। अब इसकी जिम्मेदारी हमारी हो गई भाई। अम्मी चले गए दूसरा काम करने के लिए। मेरे को बोले यार रुक और ये दूध खूब खिलाते रहो। अब वही कर रहा हूँ मैं। और हमारे टेलर भाई साहब फोन नहीं उठा रहे, उसके बाद फोन कर रहे तो बिजी आ रहा है। मेरे जैसे काफी लोग उनको फोन कर रहे होंगे। मैंने कलीम भाई को फोन किया, कलीम भाई को पूछा मतलब यार उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हारे पास रखने वाले, तो रखे क्या? बोले मेरे बेटे की नहीं दिया अभी तक, तुम्हारी कहाँ से रख के गया। देखते है भाई अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे। अरे मतलब पटानी का मतलब तो देखो सवेरे नमाज पढ़ने के पहले अगर मिल जाती तो सही होता, मगर अब मिली भी तो क्या फायदा, बस वो एक पेन लिया इसी बात हो जाएगी। रमजान ईद में टेलर और बकरी ईद में कसई, इनके बहुत नखरे रहते थे बाबा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बहुत ज्यादा नखरे रहते थे। चलो फिलहाल जो है हम ये दूध हिलाने में लगे हुए, कई ब्लॉगिंग के चक्कर में ये दूध उबल के ना गिर जाए और फिर मुझे डजन भर गालियां खाने ना मिल जाए अम्मी से। बिरयानी का गोश रेडी है भाई साहब, मगर बिरयानी नहीं खा रहे। चलो नाश्ता हम खाएंगे, ये रोल एंड चिकन पॉकेट्स। लेट्स हैव गाइस। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। आ गए मम्मा, कहे मम्मा आ गए, माशाल्लाह। चलो फोटो निकालेंगे, चलो चलो। हमारी क्या पटानी मिलने से रही, फोटो निकालने जा रहे हैं भाई हम लोग। सवेरे के 10:30 बज गए, फार्म पे भी जाना है भाई, फार्म पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। अरे इनाया तो बैठ भी गए, रेडी हो गए। माही तो ऑलवेज रेडी। हाँ फिलहाल हम लोग कैमरामैन का वेट कर रहे हैं, जब तक इनाया बैठी हुई है। इनाया मम्मा, ओ मम्मा कहाँ है रे मेरा बच्चा, कहाँ है रे मेरा बेटा, छोना बच्चा, पापा मेरा। कितनी मेहनत लगती देखो फोटो निकालने में, आज लग गई भाई। बहुत सारे फोटोज निकाले मैंने अपने साथ में, तो निकाले इनके भी निकाले, बहुत मेहनत लगती है भाई बच्चों को फोटो निकालने के लिए। फाइनली शिरकुरमा इज रेडी एंड गेटिंग सर्व्ड। और पीने वाले लोग भी आ गए, पी रहे खा रहे सब हो रहा है भाई। मैं तो थोड़ी देर से जाऊंगा फार्म पे, अभी तो बस 11:30 बज रहे हैं, अभी थोड़ा सा एक नैप लेते छोटा मोटा। चलो भाई नैप तो ले नहीं पाए, गर्म बहुत ज्यादा हो रहा है यार यहाँ पे, तो अम्मी जी हेल्प कर देंगे, नहीं तो अलग गालियाँ पड़ेंगी। गालियाँ अलग पड़ेंगी, इतने देर से बोल रहे तो सिर्फ हंडी गैस पे चढ़ा के चले गया ना। अरे अम्मी हमेशा तो वो तेरा काम है, तू करने का बिरयानी तू हिलाते रहता हमेशा मेरे हाथ के नीचे। बोलेंगे तो बोलेंगे ईद के दिन भी गुस्सा करते रहते। यार मैं सवेरे 4 बजे आया, 4:30 बजे आसपास, और फिर नमाज के लिए उठ गया 7:30 बजे, तो नींद नहीं हुई, वही चीज है। और नींद भी आ रही नहीं है, गर्म इतना हो रहा है, क्या करेंगे। तुमको तो ईद के दिन चिल्ला कर देखो, तो बर्थडे के दिन चिल्ला। अरे कोई बर्थडे और ये सब नहीं रहता। हाँ ईद के दिन चिल्ला हुआ अलग रहता, मेरे को रोना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आलू पड़ चुके गाइस, बिरयानी के साथ आलू किस किस को पसंद है कमेंट करो। बिरयानी के साथ आलू, चिकन नहीं मिलेगा, मटन नहीं मिलेगा, चलेगा पर आलू आलू मांगता है। हाँ देखो 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 ये मस्ती देखो, ड्रेस चेंज हो गया, ये बाउंसर में से डालेंगे ना ये बाहर निकल जाती है, अब इसके अंदर थोड़ी बैठने वाले ये। इनाया मम्मा मम्मा इनका मैट डालो नीचे, मैट पे बिठाओ इनको। अगर देखे सुने आवाज, ये रोज का है भाई, दिस इज नॉट द फर्स्ट डे, ये ऐसा हमेशा होता था, बस आपको मैं दिखाता नहीं था ना। अब देख रहे हो आप लोग, देखो लास्ट वाले ब्लॉग में बोलता ईद में दिखा दूंगा, बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। डाल दो मैट उनका, डालो अभी छोड़ दो उसके ऊपर, बदमाश बंदर। मम्मा शूज वूज निकालो, उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अभी देखो वहां पे कर रहा था तो मैं बच्चे के शूज निकाल रहा था। मोहसिन आ जा थोड़ा, आ गया मोहसिन। मोहसिन क्या है, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखेगा सिर्फ। क्या बढ़िया था गुरु।
वो करने के क्या लग रहा है अभी मस्त देखो ना हरा हरा पुदीना और कोथमी पड़ गया तो क्या जबरदस्त लग रहा है यार। अभी टेस्ट आ रहा है, पानी आ रहा है पानी। चलो मेरे को फार्म पे भी जाने का यार, अमी मेरे को फार्म पे भी जाने का। नीला पापा फोन आ रहा है, उनको खाना कब दे जाएंगे? देखो बिरयानी दम पे हो गए, हो रही है अभी। मैंने क्या किया मालूम, बस वो थोड़ा एक बार मसाला हिलाया, फिर हमने छा, फिर हमने ये गुस्से से किया ना तुमने नहीं करी फिर अम्मी ने चावल बॉईल करवाए, फिर वो बॉईल हो रहे थे तो मेरे को बुलाया, फिर मैंने बाहर लेके जाके उसको छाना, फिर वो अंदर लेके आया, फिर वो अभी मसाले में पड़ गया। बस इतना ही किया हूँ मैंने, वो उंगली कटा के शहीदों में आम लिखाने का। बिरयानी अपन ने बनाई लो भाई, समझे? अरे मेरा बच्चा हाथ वाथ मत काट लेना। हमारे घर में ना अल्हम्दुलिल्लाह सब लगे ले रहे थे। दोपहर के 2 बज रहे भाई और अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। माही इज हैविंग फूड विथ मी, हाँ, बिकॉज माही इज ऑल्सो कमिंग विथ मी टू द फार्म। अभी हम खाते हैं, फटाफट निकलते हैं। बिस्मिल्लाह भाई, लेट्स स्टार्ट। अब्बा तोड़ेंगे आलू, तोड़ूंगा, तोड़ता ना। मैं थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, आलू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। मैं ना खा के नहीं जा रहा था, अम्मी बोले यार थोड़ी खा के जाना, मैं समझ गया क्यों बोले, ये टेस्टिंग के लिए दिए ले, कैसी बनेली बताने के लिए, उसके लिए दिए, सच्ची बोलो। देर हो गई मगर यार, मतलब वो जो हजार रहती है ना खाने की, भूख लगी वैसी नहीं है, तो टेस्ट करके बताते हैं अम्मी को, अच्छी बनी हुई। किसके माँ के हाथ का खाना अच्छा नहीं बता, बताओ, हर किसी के माँ के हाथ का खाना अच्छा बनता है। हाथ जलेंगे, जरा सबर करो, यहाँ तो सबर भी नहीं हो रहा भाई। चलो भाई 2:30 बज गए, निकलते। माही ने दे दिया डांडा, जैसे घर में गेस्ट बढ़ गए ना, माही का दिल नहीं हो रहा आने के लिए। अब बोलते अब जाके, हम बोला हाँ मैं जाता हूँ, तुम यहाँ पे रहो। चलो भाई जो सामान लेना था ले लिया, अब वो सब ड्रॉप करते हुए जाएगी फार्म पे, फटाफट फार्म का काम पटाते और फिर आते वापस, मगर पहले फार्म पे तो जाते हैं। चलो भाई लेट्स गो। आज रास्ते को ज्यादा ट्रैफिक नहीं लग रहा यार, एक स्टॉप लेना था मुझे, मैंने वो स्टॉप लिया हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ फार्म के लिए। रास्ता पूरा खाली खाली लग रहा है, आज सब घर में बैठे, इसके लिए रास्ता पूरा खाली है। सही डिसीजन लिया भाई मैंने कार लेके आने का, मैंने सोचा इतने दोपहर में निकल रहा हूँ टू व्हीलर पे जाऊंगा, इतनी गर्मी पड़ रही है हालत खराब हो जाएगी, इस वजह से मैंने इनोवा को साथ ले लिया कि आसानी रहेगी, और फिर मैं सोच भी रहा था ट्रैफिक लगेगा फिर, तो फिर वही चिंता जो हमें सता रही थी उससे अभी हमें निजात मिल गया। देखो ये खड़ी मशीन वाला चौक में तो यहाँ पे कितनी गाड़ियां होती है, मे भी मैं दोपहर में जा रहा हूँ उस वजह से ट्रैफिक कम है, यस वो हो सकता है। शाम के 4 बजने आ गए भाई। चलो भाई साहब अभी फटाफट जो अपने काम है वो करके ले लेते हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से, कुछ काम है जिस कारण मुझे आना पड़ा, वैसे भी आ ही जाता मैं, अगर वो काम नहीं होते तो भी आ जाता मैं, क्योंकि एक बार तो आना जरूरी है और लाजिम है, भले ही वो फिर आधे घंटे के लिए क्यों ना हो। खोलो भाई लॉक। चलो जा रहा हूँ मैं, लुक हु इज हियर, वर्षा को मैंने यहाँ पे डाल दिया, सोचो वर्षा की जगह पे कौन है, वर्षा की जगह पे एक अपनी बकरी है जो फारिग होने के नजदीक है, इसके लिए मैंने वहां बांध दिया ताकि फारिग होने का वक्त आए तो फिर वो निकालने करने में वक्त ना जाए, इसके लिए यहीं पे बांध दिया जहाँ पे वर्षा बांधा था मैंने। चलो दुआ करो सब सही रहे यहाँ पे। चलो लेट्स गो, वी आर डन फ्रॉम हियर। 4:30 बज गए दोपहर। वालेकुम अस्सलाम, इसके लिए नहीं आए ना तुम, बिस्किट आ खाने के इसके लिए नहीं आए? बांटने का भी था। हाँ यार हमारे जो गांव में है ना सबको बांटना पड़ता है, बांटना पड़ता है क्या, बांटते सबको बांटते, और माशाल्लाह हमारा गांव भी तो काफी बड़ा है ना। चलो थोड़ा अभी आराम करते हैं और फिर एक्शन वाली दुनिया में निकलते हैं, एक्शन वाली दुनिया भी तो जाना है। हो गई ईद खत्म अपनी, फार्म पे जा गए, ईद खत्म। माही देखे क्या? कल दिखने का तो था, आज दिख गया यार। अभी कल ईद मनाने का क्या माही? तो आज क्या था फिर? भाई देखो अभी दिख रहा है हमारे यहाँ पे चांद, मोटा है, कल बहुत बारीक रहेगा, काफी जगह पे दिखा था मगर कल। हाँ चलो भाई हम तो एक्शन वाली दुनिया जाने की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में, अब तुरंत नहीं, अभी तो सबके साथ बैठे हुए। हटो जी, हाँ तुम तो शॉल पहन के आए थे सर के ऊपर, नहीं कंबल। आ
रात के 11:30 हो रहे, मस्त ले लिया हमने नैप, किटी नैप, क्या काफी लंबा नैप ले लिया यार। कब से सोया था मैं, 9:30-9 बजे के आसपास सोया था, और अब उठा हूँ 11:10 पे, और 10 मिनट में रेडी हो गए और निकल रहे। चलो एक्शन वाली दुनिया संभालते हैं, सवेरे से लेके रात तक। पिछले 1.5 दिन का ब्लॉग देखा है आप लोगों ने ये। चलो लेट्स गो गाइस, यार काफी लेट हो गए, रात के 11:40 हो रहे हैं, मगर सिग्नल का सिलसिला जो है ना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रात रात के 11:40 तक 12-12 बजे तक भी सिग्नल रहते हैं। चलो भाई ये ब्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है, काफी लंबा ब्लॉग हो चुका है ये, काफी लंबा ब्लॉग हो चुका है। आप लोगों का हमेशा कंप्लेंट होती है ना, मुस्लिम भाई इतने दिन के ब्लॉग डलते हो, वो भी छोटा डलते हो, तो आज देखो इतने दिन का ब्लॉग भी आया, अच्छा खासा बड़ा भी आया, आप लोगों को मजा आ गया होगा आज वाले ब्लॉग में। तो चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। आने वाले दिनों में काफी मजेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं, अब तो सीजन स्टार्ट हो गया, सब लोग बिजी हो जाएंगे, बकरा ईद में उसका माल आएगा, जो लोग ट्रेडिंग करेंगे उसका माल आएगा, बेचेंगे, बड़े बकरे की लॉन्चिंग होगी, सब होगा, अपना भी तो एक लॉन्च होने वाला है, यही सारा सिलसिला चलते रहेगा। उसी बीच में अपने घर पे एक शादी भी है, नेक्स्ट वीक ही है समझो, यस हाँ नेक्स्ट वीक ही समझो शादी है, तो उसमें हम बिजी हो जाएंगे, व्लॉग्स भी बनाएंगे, मजेदार व्लॉग्स बनेंगे नेक्स्ट वीक में ही शादी, तो बने रहिए कहानी के साथ, आगे कहानी में क्या क्या होने वाला है पता चल जाएगा, अभी तक भी ये सिग्नल खुला नहीं है देखो। चलो भाई अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय वंस अगेन, और इन आया के लिए दुआ करना, मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ करना, हम सब के लिए दुआ करना, बस दुआओं का तलबगार तुम्हारा भाई मोहसिन। चलो भाई अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय वंस अगेन। Chala 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 chala, let's go guys, I'm going to the world of action.